earphones. Yeah, that these worksheets you have. Very good, very good. आपके पास है. अच्छा, आपने कुछ वर्कशीट्स की नहीं है अपनी वजह इस वर्कशीट से? एनी बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी. यू आर सेइंग समथिंग. हाँ, यूज योर माइक ना. माइक यूज कर लो तो आई कैन हेयर यू. हाँ, आप बोलो. आयान पीता क्यों नहीं आ पा रहे? ओके, वेट वेट. हाँ, आप तो अनम्यूटेड हो, फिर क्यों आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास? चेक योर कनेक्शन. आप अपने एंड पे से अपने आप को ना अनम्यूट कीजिए. यस जी, परी हाँ बोल रही है. जी यस मिस बोलिए. मिस मैं पूछ रही थी कि ना हमारे पेपर्स कब से हैं? 3 अगस्त से. थर्ड अगस्त से. और मिस वो जो सब्जेक्ट्स हैं और ना टाइमिंग्स जो हैं वो क्या आपने पोर्टल पे वो करी है क्या भेजी? पूरा बेटा आपका पूरा टाइम टेबल ना, विद द टाइमिंग्स, अलोंग विद द टाइमिंग्स, इट्स अपलोडेड ऑन द सॉफ्टवेयर. आप लोग को स्कूल के सॉफ्टवेयर पे आपका कंप्लीट टाइम टेबल मिल जाएगा जिसमें आपके टाइमिंग्स भी मेंशन है. ओके okay? अच्छा, राम डोंट डू दिस अगेन. ठीक है ना? अच्छा जी बेटा, यार मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही मिस है. आई आपने वर्कशीट कौन सी बोली है? मिस मैं बेटे अयान से पूछ रही हूँ, हसन आपसे नहीं पूछ रही. एक्चुअली इन्होंने मुझे हमें कल ही ज्वाइन किया है ना, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग हिम कि इनके पास हैं वर्कशीट सेट्स या नहीं. ठीक है, डोंट यू गाइस डोंट नो वन नीड टू वरी अबाउट. एक्चुअली आई एम टॉकिंग टू अयान, अयान अली, जो अयान नेक मोहम्मद है. आई डोंट नो द एक्चुअल नेम. ठीक है बेटा, बोलो अब अयान, मुझे आपकी आवाज क्यों नहीं आ पा रही? आई कैन हेयर एवरीवन. आप अनम्यूट हो मेरे एंड पे से. जी बोलिए. हाँ बोलो. यू हर्ड मी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी. कैन यू प्लीज कनेक्ट अगेन? कैन यू प्लीज ज्वाइन दिस क्लास अगेन? आप इस क्लास को लीव करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए यान. क्योंकि आई थिंक देर इज सम प्रॉब्लम एट योर एंड, दैट्स हाउ आई कैन नॉट हेयर यू. यू आर अनम्यूटेड. देखो, अच्छा जी, ओके फाइन फाइन, लेट्स एवरीबडी बी हेयर, देन वील स्टार्ट आवर क्लास. अच्छा, टुडे आई कैन नॉट ओपन माई वीडियो. एक्चुअली आई एम हैविंग सम इंटरनेट इशू, तो उससे हमारी क्लास कनेक्ट नहीं हो पाएगी. अगर मैंने वीडियो ऑन कर ली, थोड़ा सा इशू है, तो ठीक है. आज आप, I can see you, but you guys cannot see me today. Okay. अच्छा, today we are going to have a well, हमारी आज English की भी class है और इस्लामियात की भी है. But actually, as I promised you के I will tell you हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम's story. तो in English and इस्लामियात class, I will share that story with you. But before telling you the whole story about the Ibrahim alayhi salam, I will tell you few things that is related to our science homework. I have posted your science homework. मैंने सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका होमवर्क साइंस का पोस्ट कर दिया है. In that homework, you will have to make yourself well prepared for the presentation. आप लोगों को अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है प्रेजेंटेशन के लिए ऑफ फोर्स एंड मोशन. ठीक है, फोर्स एंड मोशन जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड आप लोगों ने बहुत अच्छी सी अपने जो भी आपको पूरा रिव्यू करना है उस चैप्टर का, और बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना है. उसमें आपका होगा क्या, आई कैन गिव यू अ टॉपिक टू स्पीक अबाउट. मैं उसमें आपसे कह दूंगी कि भाई ओके टेल मी अबाउट द ग्रेविटी, तो आपको यू विल हैव टू टेल मी अबाउट द ग्रेविटी. ठीक है, आई कैन आस्क अ क्वेश्चन, मैं आपसे उसमें कोई क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ एंड यू हैव टू आंसर. ओके, लेकिन करना क्या है,
इन सब आंसर्स और इन प्रेजेंटेशन के यू विल हैव अ मार्क्स, आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, दैट इज इंक्लूडेड एज योर टेस्ट मार्क. आपके वो मार्क्स जो है वो एज अ टेस्ट मार्क आई विल इंक्लूड इन योर पेपर. ठीक है, जैसे हम लोगों के आपको पता है ना, हमारा एक होता है हमारे टेस्ट मार्क्स इंक्लूड किए जाते हैं इन द एग्जाम्स, है ना, फिर पूरा एक ओवरऑल आपका रिजल्ट बनता है. तो इसी तरह आई हैड टेकन योर वन क्विज, मैंने आपका एक साइंस का क्विज ले लिया है, दिस इज यू कैन कंसिडर एज क्विज नंबर टू, ये आपका क्विज नंबर टू हो जाएगा जिसमें आप लोगों को से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ. आई कैन गिव यू अ टॉपिक टू स्पीक अबाउट. ठीक है, जो मुझे आंसर नहीं कर पाएगा और जो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएगा फिर ऑब्वियसली दे विल गेट अ जीरो. ठीक है, सो मेक योर सेल्फ वेल प्रिपेयर. और कल एबसेंट होने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी हैज टू बी प्रेजेंट, बिकॉज इसके लिए आपको सेकेंड चांस इसलिए नहीं मिल सकता, इट्स एन इंटरेक्टिव टेस्ट. ये हमारा एक क्लास में जैसे आप समझ लें क्लास में इंटरेक्टिव क्लास होती है ना, जिसमें टीचर क्वेश्चंस करती हैं और आपको फिर उसके मार्क्स दे रही होती हैं, तो दिस इज द सेम वे. ये हमारी इसी तरह से आपको इसके मार्क्स उसी वक्त क्लास में मिलेंगे. ठीक है, अगर यू आर इफ यू आर एबसेंट, अगर आप लोग एबसेंट हुए तो यू विल नॉट गेट अ मार्क्स. अगर आप लोग प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को थोड़ा बहुत भी आता होगा तो आप कुछ ना कुछ मार्क्स तो गेन कर ही लोगे ना. ठीक है, एंड आई नो के यू ऑल नो, यू ऑल आर वेल प्रिपेयर फॉर दैट टॉपिक, बिकॉज बहुत ज्यादा हमने उसका रिविजन भी किया और हमने एक्सरसाइजेज भी किए, तो नो नीड टू वरी अबाउट. एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आप लोगों को उस वक्त हेल्प भी कर सकूंगी. बट अगर आप लोग एबसेंट हुए तो ऑब्वियसली फिर आप लोगों के मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे. अच्छा, I need to talk to Ayan. हाँ, Ayan ने मोहम्मद, Ayan बेटा अब आप देखिए, आप अनम्यूट मैंने किया है. हाँ, आप बोलो. मिस जी, वाओ, I can hear you good. मिस, जो आपने कल मुझे लेक्चर दिया था वो मैं कल नहीं कर पाया था इसीलिए. नहीं, इट्स ओके. कल दैट वाज योर फर्स्ट क्लास, कल जो आपकी थी वो फर्स्ट क्लास थी, इट्स ओके, कोई बात नहीं. मैं आपसे ये पूछ रही थी बेटा, आपके पास वर्कशीट सेट्स हैं पूरे जो स्कूल से मिले थे? हाँ जी मिस. ओके फाइन, आपने कोई वर्कशीट की हुई है इसमें? बिकॉज मैनी ऑफ द वर्कशीट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. हम लोगों ने इंग्लिश की, साइंस की, इवन द इस्लामियात, मैथ्स एंड ऑल सब्जेक्ट्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल द वर्कशीट्स. तो आपने कोई वर्कशीट इसमें की हुई है? टीचर मुझे समझ में नहीं आया था इसलिए मुझे मैंने नहीं कर पाया था. अच्छा, एक काम आप कर सकते हैं, हम लोगों ने अपने रिकॉर्डेड सेशन जो है वो स्कूल के सॉफ्टवेयर पे भी डाले हैं और यूट्यूब चैनल पे भी डाले हैं. अगर इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी टू डू ऑल, तो आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली अब आई कैन नॉट रिपीट और अदर टीचर्स कैन नॉट रिपीट द होल प्रीवियस वर्क ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा. तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द रिकॉर्डेड सेशंस. ठीक है ना, आप वहां से हेल्प लेके एंड ट्राई टू कंप्लीट ऑल द वर्कशीट्स. ठीक है, और हमारा एक साइंस का टॉपिक है फोर्स एंड मोशन. फोर्स एंड मोशन है हमारा ना, उसका कल टेस्ट होगा. अब मैं आपको ठीक है, अब मैं ट्राई कोशिश करूंगी कि मैं आपको ग्रुप के ऊपर जो हमारे प्रीवियस क्विजेज हुए हैं वो भी सेंड कर दूं, और जो कल हमारा टेस्ट है साइंस का उसके लिए आपको उन रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू ही अपने आप को प्रिपेयर करना होगा. ठीक है बेटा, ओके ओके मिस. सो ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो टेस्ट. ठीक है, अभी हम आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे. ठीक है ना. अच्छा, फरीहा एंड अब्राहम वांट्स टू से समथिंग. ओके, लेट्स अब्राहम. अब्राहम, यस, यू कैन स्पीक फर्स्ट. अब्राहम एंड देन फरीहा. हमारी जो अभी ये पेपर होने वाले हैं तो वो क्या ऑनलाइन होंगे? हमारे वो मिड टर्म नहीं है, दैट इज योर जीरो टर्म असेसमेंट एक्चुअली, एंड ये ऑनलाइन ऐसे ही होंगे जैसे अभी आप हम लोग क्लास ले रहे हैं ना, बिल्कुल इन अ सेम वे. आई विल टेक योर, जैसे आई विल गिव यू अ लिंक ऑफ योर क्विज, तो आप लोग उस क्या कहते हैं उस क्विज को सबमिट करा देते हैं ना, तो इस द सेम वे यू हैव टू डू इन इट. ओके, मिस, तो साइंस का क्विज होना था ना? कब? जो आपने कहा था कि फोर्स एंड मोशन का उनका कल है, वेडनेसडे को है. मैंने टुडे आई हैव पोस्टेड योर साइंस होमवर्क, मैंने उसका वही जो मैं आपको बता रही हूँ प्रेजेंटेशन होगी और मैं क्वेश्चंस करूंगी, तो उसके मार्क्स जो भी आप यू विल गेन
so that is included as your test mark. Okay, that is considered as your test mark. Okay, that we have science test tomorrow. जो science का मैंने आपको कहा था वो कल है हमारा. Okay. Fine, Abraham. Any other query? No. Okay, good. जी फरीहा, you can speak. मैं आपको unmute कर दूँ. Okay. Yes, Fariha. Alicia, I'll give you a chance. Wait a minute. Miss, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जो है ना पहला पेपर कौन सा है? बेटा मुझे याद तो नहीं है. You can check the timetable. I don't remember ना, मुझे याद नहीं है. Sorry. Yeah, I'll share you tomorrow. I will tell you tomorrow. ठीक है? Don't worry. अगर if you cannot check it. What's the first test? Sorry. मिस पहला टेस्ट कौन सा है? बेटा मुझे याद नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा. तो टुमारो आई विल लेट यू नो. आई गेट्स इट्स इंग्लिश इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके मिस, थैंक यू. क्यों 2:30 बजे क्यों करोगी? इस्लाम याद की भी तो है. मैं आज हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम का पूरा होल इवेंट करूंगी ना, तो पकड़ इससे रिलेटेड करना. यस अलीशा बेटा, यू कैन आस्क. मिस प्लीज टेल मी द साइंस टॉपिक. अच्छा एक्चुअली अलीशा, एंड टेल मी what I have to tell you, beta. Miss, please tell me the science topic and tell me. Tell you about the homework. Test. About the test. Okay, okay. Actually, we have done one topic in the science, that is force and motion. ठीक है? Getting me? हमारा science का एक ही topic था, that is force and motion. Yeah, tomorrow we are having a test of that topic. It could be a question answer session. It could be the presentation. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. I'll give you a topic that उसके बारे में you have to tell me, or I can ask you question that you have to answer. Okay, Alicia, you have to listen to me, beta. Don't play. You're not supposed to play here. You guys are here to take a class. Ma'am, I'm giving you a chance, beta. Wait a minute. ठीक है अलीशा, वो फोर्स इन मोशन से रिलेटेड आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड आई विल गिव यू अ टॉपिक टू स्पीक अबाउट. सो दैट इज योर टेस्ट एंड दैट वी हैव टुमारो. ओके फाइन अलीशा, नो योर हेयर, दैट्स हाउ आई गेटिंग आई गॉट टू नो के डू यू अंडरस्टैंड ऑर नॉट, यस और नो. ओके वेरी वेल डन. ओके नाउ इट्स माहम्स टर्न. अच्छा बेटा, अगर आप लोग मुझसे पूछते ही रहेंगे तो मैं फिर कैसे स्टार्ट करूंगी? जी माँ, हम जल्दी से बोलिए. मिस मिस कल आपने मेरी प्रेजेंटेशन नहीं सुनी थी. हाँ बेटे, तो चार टाइम नहीं मिला था ना, क्या करें. कोई बात नहीं, अभी अब आज मैं सुना दूँ, देन आफ्टर दैट यू गाइस विल गेट अ चांस टू. ठीक है ये. अच्छा जल्दी से, अगर शॉर्ट है बहुत बड़ी है. मीडियम मीडियम है. अल्लाह, अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं आपको बाद में चांस दूंगी. ठीक है, फर्स्ट आई विल हैव टू टेल यू द होल स्टोरी. ठीक है, एवरीबॉडी इज वेटिंग टू. ठीक है ना. ओके नाउ नाउ नाउ. सो अच्छा, फ्यू ऑफ यू हैवंट ओपन द वीडियो, सो काइंडली ओपन देयर वीडियो. लाइक माहीन, इमामा एंड फरीहा, बेटा यू ऑल हैव टू ओपन योर वीडियो फर्स्ट एंड देन आई विल स्टार्ट यू शेयरिंग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम्स स्टोरी. ठीक है. अच्छा जी, as you all know that Hazrat Ibrahim alayhis salam is our prophet. Okay, he was actually, do you know that where he was born? Does anyone know that? Actually he was born in, acha Hassan knows that, let's ask Hassan. Ji, where he was born? Yes Hassan, I've unmuted you. Miss, in any non-Muslim country. Acha, okay. Actually, he was born in non-Muslim family, but actually he was born in Iraq. Iraq is one of the country. ठीक है, he was born in
कंट्री इराक, कहाँ बॉर्न हुए थे, इराक में पैदा हुए थे, ठीक है। हिज अंकल अजर ब्रॉट हिम अप, इनके जब ये छोटे थे तो इनके ये अपने अंकल के पास थे जिन्होंने इन्हें बड़ा किया था। एक्चुअली हिज अंकल कार्व्ड वुडन आइडल्स, डू यू नो दैट व्हाट आर द आइडल्स, डज एनीवन नो व्हाट आर द आइडल्स, आइडल क्या होते हैं? अच्छा आप लोगों ने देखा है, हैव यू एवर सीन हिंदूज, दे वर्शिप आइडल्स, वो बुतों की पूजा करते हैं। हिंदू जो होते हैं ना, तो वो जो बुत होते हैं दे आर कॉल्ड एक्चुअली आइडल्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? आइडल्स। आइडल्स जो होते हैं वो बुत होते हैं। हिज अंकल कार्व्ड वुडन आइडल्स, वो लकड़ी के बुत बनाया करते थे, ठीक है। और उन जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज बोर्न, तो एट दैट टाइम जो ऑल द जो वहां के जो जितने भी लोग थे, अरब के जो लोग थे, इराक में जितने भी लोग थे, ऑल द पीपल वर वर्शिप ऑफ आइडल्स, वुडन आइडल्स और स्टोन आइडल्स। वहां के सारे लोग जो थे दे ऑल वर्शिप ऑफ स्टोन एंड वुडन आइडल, दे आर नॉट वो अल्लाह को नहीं माना करते थे। अच्छा एक्चुअली मलाहिम कहाँ चले गए, ठीक है ओके। वो किसकी इबादत किया करते थे? वो आइडल्स की इबादत किया करते थे, दे आर नॉट फॉलोइंग अल्लाह, ठीक है। वो अल्लाह को नहीं माना करते थे, वो आइडल्स को माना करते थे। एंड दे ऑल्सो बिलीव दैट स्टार कंट्रोल द फेट ऑफ मैनकाइंड, और वो ये भी माना करते थे कि जो स्टार्स हैं वो हमारे सारे सिस्टम को चला रहे हैं, जो भी हमें चाहिए होता है वो स्टार्स के थ्रू हुआ करता है, ओके अच्छा मैं आई विल मेक इट शॉर्ट, मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी करके बताती हूँ, ठीक है, बिकॉज इट इज एक्चुअली सच अ लॉन्ग स्टोरी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड ही वाज ग्रीव ही ग्रीव अप, ही बिगन टू रियलाइज दैट जो जितने भी आइडल्स हैं ये हमारी हेल्प नहीं कर सकते। कैन यू टेल मी कि डज आइडल्स कैन हेल्प अस, हमें जो भी कुछ चाहिए होता है कैन आइडल्स प्रोवाइड अस, क्या आइडल्स हमारी दुआ सुन सकते हैं? नो, है ना। तो इसी तरह जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ग्रीव अप, जब वो बड़े हुए, तो ही रियलाइज दैट हाउ कैन दीज स्टोन्स एंड वुडन आइडल्स हेल्प अस, है ना। तो जैसे आप लोग बड़े होते जा रहे हो, आपको पता चलता जा रहा है ना हमें कुछ चाहिए होता है तो हम किससे प्रे करते हैं? हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं ना, है ना। एंड अल्लाह फुलफिल ऑल आर विशेस, है ना, जो भी हमें चाहिए होता है अल्लाह फुलफिल ऑल आर नीड्स, है ना। तो इसी तरह देन ही ग्रो अप, ही रियलाइज दैट कि हाउ कम द आइडल्स, स्टोन आइडल्स एंड वुडन आइडल्स कुड हेल्प अस, ठीक है। It was no use praying. और उनकी इबादत करने का obviously जब कोई हमारी help ही नहीं कर सकता, हमें कुछ दे ही नहीं सकता, तो हम उसकी help उससे pray क्यों करें ना? Okay. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम was a good, sensible and wise man. कहते हैं he was a good, sensible and wise man. He वो बहुत ज़्यादा अकलमंद थे, उनको बहुत ज़्यादा knowledge थी. So that's why Allah choose him as a prophet. जबी अल्लाह ताला ने उन्हें prophet भी बनाया था. Instead of worshipping idols, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो idols की worship करने के बजाय he believed on one and only Allah. जिसको हम भी मानते हैं ना, being a Muslim we believe on one and only Allah. Do we believe on Allah? Yes. Alhamdulillah, we all are Muslim and we believe on one and only Allah. फिर जब ये आहिस्ता आहिस्ता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड ही ग्रो अप, तो ही स्टार्टेड टेलिंग टू हिज अंकल और ऑल द पीपल जो उनके अराउंड जो पीपल रहते थे, उन सबसे कहने लगे कि वी आर नॉट सपोज टू वर्शिप दीज आइडल्स, हमें इन आइडल्स की इबादत नहीं करनी चाहिए, हमें वन एंड ओनली अल्लाह जो है उसकी इबादत करनी चाहिए, बिकॉज ही इज द वन हु लिसन्स अस, हु कैन डू वट एवर वी वॉन्ट टू, these idol cannot do anything for us, ना। तो हमें जो है क्या कहते हैं, किसकी इबादत करनी चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। Wait a minute, okay. फिर जब ये उधर अपने अंकल को बोलते थे और दूसरे लोगों को बोला करते थे ना, तो they got very angry, वो उनको बहुत बुरा भला कहते थे तुम लोग तुम ऐसे नहीं कर सकते, अगर तुमने इस तरह की बातें की तो लोग तुम्हें मार देंगे और व्हाटएवर समथिंग। जी इब्राहिम, यू वांट टू से समथिंग बेटा? ओके वेट अ मिनट, आई एम गिविंग यू अ चांस टू, ओके जी टेल मी। टीचर आई वाज सेइंग कि जो आइडल्स का मतलब होता है भूत। जी आइडल्स का मतलब होता है भूत, वेरी गुड।
ठीक है। अच्छा अच्छा वेट अ मिनट, ओके आई विल मेक इट शॉर्ट एंड लेट यू नो। मैं थोड़ा सा और इसको शॉर्ट कर दूं फिर आपको बताती हूँ। अच्छा, व्हेनेवर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम स्टॉप पीपल्स के डू नॉट वर्शिप दीज आइडल्स, तो वो जो वहां के जो अर्थ के लोग थे, जो उनके साथ उनके अंकल और उनके जो वहां पे पीपल रहा करते थे, वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते और वो उन्हें बहुत बुरा भला कहते कहने लग गए थे। His people keep arguing and Hazrat Ibrahim alayhi salam with okay and present him with their God. अच्छा, वो लोग जो थे वो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को अपने जो उनके जो आइडल्स थे उनसे डराया करते थे कि अगर तुमने इन्हें बुरा भला कहा या कुछ कहा ना तो ये तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर देंगे, ये तुम्हें मार भी सकते हैं। बट हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम वॉज वेरी वाइज एंड सेंसिबल मैन, तो ही सेड दैट व्हाई शुड आई बी अफ्रेड ऑफ योर गॉड when you are not afraid of one and only Allah. तो वो कहते थे मैं तुम्हारे जो gods हैं उनसे क्यों डरूं जब तुम मेरे one and only Allah से नहीं बना सकते, who made us, who created the whole world. ठीक है, तो कहेंगे मैं तुम्हारे इन आइडल से तो नहीं सकता, इन्होंने तो कुछ भी नहीं बनाया, इन्होंने तो इस दुनिया को भी नहीं बनाया, इवन इन्होंने तो हमें भी नहीं बनाया, मैं तो सिर्फ उससे डरता हूँ जिसने हम सबको बनाया, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, और मुझे और किसी का डर नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास जाना है। ओके, वन डे एक्चुअली इनका जब इनके जो अर्थ के पीपल थे उनका एक फेस्टिवल था, उनका एक रिलीजियस फेस्टिवल था, एवरीबडी वेंट टू द वहां का जो एक टेम्पल्स होते ना वहां पे गए। वेट अ मिनट, एक मिनट, मैं आपको और शॉर्ट करके बताती हूँ। हाँ, जब वहां के सारे लोग जो थे वो फेस्टिवल में, रिलीजियस फेस्टिवल में जाते, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्रटेंडेड के ही इज वेरी सिक एंड ही कैन नॉट गो विद देम इन देयर रिलीजियस फेस्टिवल ना, तो उन्होंने ऐसे बिहेव किया कि वो बहुत बीमार है और वो उनके साथ उनके रिलीजियस फेस्टिवल में नहीं जा सकते और वो अपने घर में ही रुक गए। जब वहां पे सब लोग चले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो उनका सबसे बिगेस्ट टेम्पल था ना वहां जाते हैं और उनके जितने भी आइडल्स थे, जितने भी स्टोन आइडल्स थे, जितने भी वुडन आइडल्स थे, उन सब आइडल्स को ना तोड़ देते हैं ना, एक बड़ी सी स्टिक लेते हैं और उनसे, अच्छा अयान अहमद इज विद अस आई थिंक, ओके ओके या Inside the temple, there were all kind of fruits and sweets which the people had left for their God. Hazrat Ibrahim alayhi salam smiled mystically. Acha, have you ever been given to anything to the Allah? आपने कभी अल्लाह को कुछ दिया है ना? No. Allah gives us whatever we want. ना जो भी हमें चाहिए होता है वो कौन हमें देता है? हम अल्लाह हमें देता है ना, हम तो अल्लाह को नहीं देता। लेकिन वहां पे जो लोग थे वो जब भी टेम्पल जाते थे वो उन अपने आइडल्स के लिए, अपने गॉड्स के लिए फ्रूट्स लेके जाते थे, स्वीट्स लेके जाया करते थे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके टेम्पल में गए तो वो बहुत ज्यादा ना हैरान होके हंसने लगे कि हाउ कुड द गॉड आस्क एनीथिंग टू गिव देम ना, तो उस पर उनको बहुत हंसी आने लगी। फिर उन्होंने एक बड़ी सी स्टिक उठाई और उन सारे आइडल्स को, उन सारे वुडन एंड स्टोन आइडल्स को जो है तोड़ दिया। When the people returned from the festival, जब वहां के सारे लोग फेस्टिवल से, रिलीजियस फेस्टिवल से आने लगे and saw the broken statue, जब उन्होंने देखा कि वो सारे statues जो हैं, जो सारे idols हैं, wooden idols और stone idols हैं, वो सब टूटे हुए, तो वो सब बहुत गुस्से हो गए, they got very angry. Now अब एवरीबडी थिंक दैट कि कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, तो उनके माइंड में एक ही नेम आया क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज़ द ओनली मैन हु टेल देम कि देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह एंड दीज आइडल्स एंड दीज जो ये उनके गॉड हैं दे कैन नॉट डू, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं जो इस तरह से उनको, उनके जो गॉड हैं उनको जो है तोड़ सकता है। ठीक है, सो एवरीबडी ओके ओके नो वन ओके ओके। फिर जब सारे लोगों को पता चल जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सब कुछ किया तो वो सब लोग जमा, वो एक जगह गैदर होते हैं, जमा होते हैं एंड दे कॉल्ड हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे। अच्छा, यू गाइज वॉन्ट टू आस्क समथिंग बेटा, रेहान एंड हसन, ओके वेट अ मिनट, जी हसन
मिस इसके बाद भी क्या आपका ब्लॉक है? जी मेरा ही ब्लॉक है ये वाला. द नेक्स्ट ब्लॉक इज इन इस्लामियात ब्लॉक ना, तो आई विल टेक टुडे इस्लामियात ब्लॉक. ओके जी रेहान, यू वांट्स टू से समथिंग? यस मैं कोई वो कल वो होगा क्विज होगा, कल क्विज होगा, क्विज देना है. यू कैन से मैं आपको टॉपिक दूंगी और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड दैट यू हैव टू आंसर. नहीं ये सॉरी वर्कशीट में है, ये वर्कशीट में नहीं है, इसका टेस्ट नहीं है, साइंस का टेस्ट है बेटा कल. तो ये स्टोरी वर्कशीट में है, ये वाली वर्कशीट नहीं है. एक्चुअली आई गिव यू अ टास्क टू टेल मी अबाउट द के व्हाई हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम सैक्रिफाइस हिज सन ना, तो मैं आपको हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के बारे में थोड़ा सा बता रही थी. ठीक है ना? अच्छा जी. ओके यस माहीन, व्हाट यू वांट टू आस्क? वेट. ओके यस टीचर, मिस फिजा ने भी तो बताया था कि एक इस्लामियत का भी टेस्ट है, क्विज आज है, उन्होंने ये कहा था. आई डोंट थिंक सो, शी इज टेकिंग. ये तो नहीं कहा था लेकिन उन्होंने बोला था शी विल लेट यू नो के व्हेन यू गाइस हैव अ इस्लामियत क्विज. ठीक है, अगले फ्राइडे को है या फिर पता नहीं. हां whenever you guys having a islamia quiz, excuse me, so she will let you know. okay okay acha ji. okay hum kahan the? acha jab everybody was asking about ke bhai hazrat ibrahim alaihi salam se ke why you broke all the idols, तो वो कहते हैं कि why are you asking to me, why don't you ask to your biggest god. वो कहते हैं भाई तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम अपने सबसे बड़े गॉड से पूछो ना, वो तुम अगर if he can speak तो he will let you know. कि भाई जब तुम उनसे सब कुछ मांगने जाते हो and he answer you, तो obviously why not this time he will let you know कि भाई who broke all these idols or all your gods ना. so उन्होंने जो वो सारे लोग जो थे वो और angry हो गए और वो सोचने लगे कि भाई ऑब्वियसली नोबडी कैन हेयर ना, उन्हें किसी ने सुना तो था ही नहीं कभी भी आइडल्स के बोल रहे हो या देखा था, किसी ने भी नहीं देखा था ऐसा. यू वांट्स टू से समथिंग डियर? ओके वेट जी स्पीक अप. मिस मैंने चैट में भी लिखा है, मिस प्लीज टेल फुल स्टोरी. मैं आपको फुल स्टोरी तो बता रही हूँ, मैं आपको फुल ये फुल स्टोरी है. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब छोटे थे ना, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े होते जा रहे थे तो उनकी पूरी लाइफ में क्या हुआ. हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तो बहुत बाद में उनके सन थे ना, लेकिन स्टार्टिंग में व्हेन ही वाज बोर्न, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे तो एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए थे जो लोग क्या कहते हैं वर्शिप किया करते, जो इबादत किया करते थे आइडल्स की, बुतों की, वुडन आइडल्स और स्टोन आइडल्स की. फिर आफ्टर सम टाइम व्हेन ही ग्रो अप ही रियलाइज दैट कि दीज आइडल कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर एनीवन ना, और वी आर नॉट सपोज टू वर्शिप दीज आइडल्स. तो हमें सिर्फ वन एंड ओनली अल्लाह है जिस जो उसकी इबादत करनी चाहिए. वी प्रे टू अल्लाह द ओनली अल्लाह हु कैन फुलफिल आवर विशेस, हु क्रिएट अस, हु क्रिएटेड द होल वर्ल्ड, हु इज द क्रिएटर ऑफ ऑल ना. तो हमें उसकी इबादत करनी चाहिए, हमें इन आइडल्स की, इन वुडन बुत की जो है इबादत नहीं करनी चाहिए. तो दैट्स व्हाई ही टेल टू द पीपल्स जो उनके एरिया में जो पीपल रहा करते थे उनसे कहा, उन्होंने अपने फैमिली मेंबर से कहा कि यू वी आर नॉट सपोज टू वर्शिप ऑल दीज आइडल्स, हमें इन सब की इबादत नहीं करनी चाहिए, वी हैव टू प्रे ओनली वन एंड ओनली अल्लाह, हमें उस अल्लाह की इबादत करनी चाहिए. जस्ट टू मेक देम रियलाइज, उन्होंने इसी वजह से उनके जो सारे आइडल्स थे, उनके जितने भी बुत थे, उन सबको तोड़ दिया था कि अगर वो तुम्हारी सुन सकते हैं तो नो वन कैन ब्रोक देम ना, नो वन कैन डू एनीथिंग विद देम. तो इसीलिए उन्होंने उन सबको ये बताने के लिए कि अगर भाई आपके का अल्लाह, आपके जो गॉड है वो सब कुछ सुन सकता है, सब बोल सकता है, तो फिर हाउ कैन एनी वन ब्रोक देम ना. तो इसीलिए उन्होंने उनको ये रियलाइज करने के लिए ऐसा किया था. फिर वो जब सब लोग उनसे पूछने लगे कि भाई ये क्यों किया, तो उन्होंने कहा भाई उन्हीं से पूछो ना जो तुम्हारे गॉड हैं, अगर हम कभी परेशान होते हैं तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं, हमारी वो परेशानी दूर हो जाती है. तो सेम इज द केस में उन्होंने कहा अगर तुम लोगों को ऐसी मसला है कि तुम्हारे इन आइडल्स को, इन गॉड्स को किसी ने तोड़ा है, तो उन्हीं से, उसी अपने गॉड से पूछो. तो सो दे हैंग देयर. ओके
वेट अ मिनट, अच्छा तो वो कहते हैं कि भाई तुम्हें तो पता है कि ये दीज स्टैचू कैन नॉट से एनीथिंग, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वो लोग जो पीपल होते हैं जो अल्लाह को नहीं मानते थे वो सब कहते हैं कि भाई यू नो दैट दीज स्टैचू कैन नॉट स्पीक, तो कहते हैं तो व्हाई आर यू वर्शिप दीज स्टैचूज, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हंसने लगते हैं, दीज थिंग्स आर, और इनका कोई फायदा भी नहीं है ना, ऑब्वियसली इनसे मांगने का कोई फायदा नहीं है, इनकी इबादत करने का कोई फायदा नहीं है, व्हेन दे कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर अस, सो व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि देयर इज ओनली वन अल्लाह टू होम वी हैव टू प्रे, ठीक है ना, जिससे हमें मांगना चाहिए, जिससे कि हमें इबादत करनी चाहिए, बट ऑब्वियसली वो लोग जो सबसे ज्यादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये रिलीज हुआ होगा कि मैं हम नहीं इसको बनाते, हम इसके खुदा होंगे, वो हमारा खुदा होगा। एग्जैक्टली, जो चीज हमने बनाई है तो हम उससे कैसे इबादत कर सकते हैं, उससे कैसे कुछ मांग सकते हैं ना, है ना, तो वी शुड हैव टू ओबे दैट वन एंड ओनली अल्लाह हु क्रिएटेड अस, जिसने हमें बनाया है ना, ना कि हम जिसको बनाए हम उसकी इबादत करें, that's that he wants to make them realize, but they are not listening to Hazrat Ibrahim alayhi salam. At that time wahan pe jab Iraq mein jo king tha, the name of that king was Namrud, Namrud was the king of that area, Iraq mein ka jo king tha us time pe Namrud tha, he who called himself or he wants people ke call him गॉड, वो चाहता था कि लोग वहां के जो लोग हैं उसको वहां के गॉड कहें, ही ऑल्सो हर्ड द होल स्टोरी ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ऐसे सारे जो आइडल्स थे जो भी गॉड थे उन सबको तोड़ दिया था, तो फिर ही नमरूद टेल हिज पीपल टू कॉल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम टू इन हिज प्लेस, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज वेरी ब्रेव मैन, ही केम टू नमरूद, जी माम यू वांट्स टू से समथिंग, वेट अ वेट, ओके टेल मी जी, मैं जो बोत होते थे वो उनकी बात सुनते थे, बेटा दे थिंक दैट के आइडल्स कैन लिसन हिम बट दे कैन नॉट, वो लकड़ी के आपके पास बहुत सारे वुडन टॉयज होंगे, आपके पास स्टोन टॉयज होंगे, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, इवन दे कैन नॉट लिसन ना व्हाटएवर वी से, तो द सेम इज केस विद द आइडल्स, दे कैन नॉट लिसन एनीथिंग, दे कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, सो तो वो नहीं सुन सकते थे, स्टैचूज जो होते हैं, जो आइडल्स होते हैं, जो वुडन और स्टोन होते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते, ओनली द अल्लाह इज द वन एंड ओनली हु कैन डू व्हाटएवर वी वांट टू, है ना, ठीक है, ओके अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज सच अ ब्रेव मैन, ही वेंट टू नमरूद पैलेस, वहां पे उसके पास जाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे, ही ओनली अफ्रेड फ्रॉम वन एंड ओनली अल्लाह, ओके जब उनसे पूछा जाता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, ही आंसर बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आर अ ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक एनीवन, अच्छा जब नमरूद कहता है उनको बुलाता है अपने पैलेस में, पूछता है कि भाई व्हाई यू डिड दैट एंड व्हाई आर यू नॉट कॉलिंग मी गॉड, कि तुम भाई वो से कहता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि भाई आई एम द गॉड ऑफ दिस प्लेस, मैं यहाँ का अल्लाह हूँ तो तुम मुझे अल्लाह कहो, तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं भाई मैं तुम्हें क्यों अल्लाह कहूँ जबकि तुम भी हमारी तरह एक ह्यूमन बींग हो, है ना, नमरूद वॉज इज लाइक अदर पीपल, वो भी तो एक ह्यूमन बींग ही था ना, लाइक अदर पीपल, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो सेड दैट कि मैं